तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे भौतिक विज्ञान में एक नई राशि विभव की। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि किसी भी आवेश क्यू के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश, जिसको हम परीक्षण आवेश कहते हैं, जो कि धनावेश माना गया है, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वह उसका वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो इस क्यू का जो वैद्युत क्षेत्र है इस बिंदु पर, यह वैद्युत क्षेत्र ई है। इस वैद्युत क्षेत्र में जब भी कोई परीक्षण आवेश Q0 को लाया जाता है तो इस परीक्षण आवेश पर एक प्रतिकर्षण का बल लगेगा, और जिस प्रतिकर्षण के बल के कारण इसकी जो गति की दिशा होगी वह होगी वैद्युत क्षेत्र ई की दिशा। धनावेश के लिए वैद्युत क्षेत्र ई की जो दिशा है वह है आवेश से अनंत की ओर, और ऋण आवेश के लिए जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा है वह है अनंत से आवेश की ओर। तो जब इस आवेश Q0 पर जो लगने वाला बल होगा F, इस F का मान हो जाएगा Q0 × E। यहाँ पर E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और Q0 हमारा परीक्षण आवेश है। यदि हम इस परीक्षण आवेश को इस वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत लाएं तो हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा, और जो किया गया कार्य होगा वही कार्य इस परीक्षण आवेश में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा। और यदि हम आवेश को इसके नजदीक की ओर ला रहे हैं तो इस पूरे निकाय की स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी, या हम कहेंगे कि Q0 में स्थितिज ऊर्जा का मान बढ़ेगा, स्थितिज ऊर्जा Q0 में संचित होगी। तो जो कृत कार्य होगा W, कि W बराबर हो जाएगा बल गुणा विस्थापन, F × अगर मैं कुछ दूरी dx इसको विस्थापित कर रहा हूं, F × dx। अब ये जो कृत कार्य होगा, क्योंकि Q0 पर जो बल की दिशा है वह बाहर की ओर है और हम आवेश को प्लस क्यू की ओर ला रहे हैं, तो जो किया गया कार्य होगा वह निकाय पर किया गया कार्य होगा, और निकाय पर किया गया कार्य धनात्मक होगा। यदि जो हमारा आवेश क्यू है ये ऋण आवेश होगा तो आवेश खुद ब खुद इसकी ओर खींचा चला आएगा, और जो इसकी स्थितिज ऊर्जा होगी वह कम होगी। तो हमारे पास एक नया पद आया है कि यदि इस परीक्षण आवेश का मान मैं 1 कूलाम ले लूं, यदि परीक्षण आवेश का मान 1 कूलाम होगा तो इस 1 कूलाम आवेश में जो संचित ऊर्जा होगी वह उस बिंदु पर उस आवेश का विभव कहलाएगा। तो V बराबर 1/4π ε0 Q/R। अभी इसका हम बाद में निगमन करेंगे। जो स्थितिज ऊर्जा है यह एक अदिश राशि है, तो विभव भी एक अदिश राशि होगी। तो विभव को आसानी से परिभाषित करने का एक तरीका है कि यदि किसी आवेश को अनंत से किसी वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में जो कृत कार्य है W और जो आवेश है Q0, जो कि हमारा परीक्षण आवेश है, इन दोनों का अनुपात उस बिंदु पर विभव कहलाता है। तो हम विभव को सीधे सीधे कह सकते हैं कि अनंत से यदि 1 कूलाम आवेश को वैद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य और परीक्षण आवेश का जो अनुपात है वही हमारा विभव कहलाता है। तो इसका जो मात्रक हो जाएगा, कार्य का मात्रक है जूल और आवेश का मात्रक है कूलाम, तो इसको हम कहेंगे जूल प्रति कूलाम या वोल्ट वी। अब जो इसकी बीमाएं होंगी, कार्य की बीमा है ML2T-2 और आवेश की बीमा है AT। तो हमारी जो विभव होगा, विभव की बीमा हो जाएगी ML2T-3A-1।
दोस्तों, जो कृत कार्य है, कृत कार्य W का मान जूल में है। यदि हम परमाणु के लिए इसकी बात करें तो किसी इलेक्ट्रॉन द्वारा जो ऊर्जा जमा की जा रही है या एक इलेक्ट्रॉन द्वारा जो प्राप्त ऊर्जा है उसका मान बहुत ही नगण्य होगा। तो हम एक नई ऊर्जा की इकाई जिसको कि हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को परिभाषित करेंगे। तो जो एक इलेक्ट्रॉन द्वारा एक वोल्ट विभवांतर में प्राप्त ऊर्जा एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाएगी। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर हो जाएगा 1.6 × 10⁻¹⁹ गुणा 1 वोल्ट, अर्थात 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल। यह हमारे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान है जो कि परमाणुओं की ऊर्जाओं के लिए हम अक्सर प्रयोग करते हैं। दोस्तों, हमारे पास एक आवेश Q है। इस Q आवेश से एक बिंदु A है और एक बिंदु B है। यदि हम किसी परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से आवेश Q की ओर ला रहे हैं तो जो किया गया कार्य है बिंदु B तक आने में, वह कार्य है WB, और बिंदु A तक आने में जो किया गया कार्य है वह है WA। तो जो बिंदु A है, बिंदु A पर जो विभव है, विभव VA का मान हो जाएगा WA/Q0, और बिंदु B तक आने में जो किया गया कार्य है वह डब्ल्यू बी है, और बिंदु बी पर जो विभव होगा वह हो जाएगा WB/Q0। तो जो दो बिंदुओं के बीच का विभव का अंतर है उसी को हम विभवांतर बोल रहे हैं, अर्थात जो वी बी का मान होगा वह वी ए से कम होगा, या वी ए इज ग्रेटर देन वी बी। तो वी ए माइनस वी बी ये हो जाएगा 1/Q0 × WA − WB। तो हमें एक नई चीज जो विभव के बारे में पता चल रही है वह यह है कि A पर जो विभव है वह B से अधिक है, अर्थात जो आवेश है, आवेश की जो प्रवाह की दर होगी, जो आवेश बहेगा वह बिंदु A से B की ओर को बहेगा। हमेशा आवेश जो उच्च विभव है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बहता है, अर्थात A पर विभव अधिक है और B पर विभव कम है। तो यदि किसी आवेश को स्वतंत्र छोड़ दिया जाए तो वह A से B की ओर बहेगा। अगर मेरे पास एक दूसरा अगर आवेश है ऋण Q, उसके लिए मैं एक बिंदु A ले रहा हूं और एक बिंदु B ले रहा हूं, तो जो वी बी है बिंदु B पर विभव उसका मान अधिक होगा विभव वी ए से, जो कि बिंदु A पर विभव है। अर्थात आवेश के जो प्रवाह की दर होगी, जो आवेश के प्रवाह की दिशा होगी वह B से A की ओर होगी। तो हमें एक चीज जो पता चली, हमें विभवांतर यह बताता है कि आवेश कहां से कहां की ओर को बहेगा, अर्थात हमेशा आवेश अधिक विभव से कम विभव की ओर प्रवाहित होगा। जैसा कि हमने पहले ही कहा था कि किसी भी आवेश को एक दूसरे आवेश के नजदीक लाने में जो किया गया कार्य है वह उस आवेश में ऊर्जा के रूप में संचित हो रहा है। तो यही ऊर्जा उस निकाय की जो है स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी, या W बराबर मैं लिख सकता हूं बल गुणा विस्थापन, तो 1/4π∈Q0 हमारा परीक्षण आवेश है, Q दूसरा आवेश है और इन दोनों के बीच की दूरी R है। तो W बराबर हो जाएगा जो किया गया कार्य है 1/4π∈Q Q0/R। यह उस निकाय की स्थितिज ऊर्जा है। बच्चों, इसी से संबंधित एक प्रश्न है गृह कार्य के लिए। स्टार्ट। 3 आवेश प्रत्येक का मान 5 माइक्रो कूलाम
है एक समबाहु त्रिभुज जो कि 10 सेंटीमीटर भुजा का है के किनारों पर रखे हुए हैं, तो उस निकाय की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो आप जब स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करेंगे तो ये मेरे पास एक Q1 है, Q2 है और Q3 है। Q1, Q2, Q3 सबका मान समान है। जो इसकी भुजा है ये 10 सेंटीमीटर है और आवेश जो है वो बिंदु A, B, C पर है। तो कुल स्थितिज ऊर्जा पहले निकालेंगे हम A और B की, फिर B और C की, फिर C और A की। चूंकि विभव एक स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है, तो कुल ऊर्जा इन तीनों ऊर्जाओं का योग होगा।